गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निराली का निराला स्टाइल। मनीषा दुग्गर हियर। गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा, हाँ जी बिल्कुल सही समझे आप। हर किसी को आज की डेट में अपने गोरे गोरे मुखरे को और ब्यूटीफुल बनाने का और अपने लुक को इन्हेंस करने का मन तो सभी का करता है, बट आज के बिजी शेड्यूल में हम इतना टाइम दे नहीं पाते अपने चेहरे को, और ऊपर से कॉस्मेटिक्स की रेंज जो इतनी एक्सपेंसिव है, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करने का भी मन नहीं करता। पता नहीं स्किन को सूट करेगा नहीं करेगा। 650 की क्रीम, हूँ माँ 650 में तो मैं ये ले लेती वो ले लेती, है ना। सो निराली का निराला स्टाइल आज आपके लिए एक DIY जेल लेके आया है जो आप घर में बहुत इजीली बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गोरे गोरे मुखरे के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या लेगा? क्या मनीषा सीधा किचन में ले जाएगी और होममेड जेल कैसे बनाते हैं वो हम बना लेंगे और फेस पे लगा लेंगे, ब्यूटीफुल बन जाएंगे, फिर हम फुर, और मनीषा यूं ही देखती रह जाएगी। नहीं जी, इतना आसान नहीं है। मुझे पता है ब्यूटी का नुस्खा है तो आप अपनाने तो फटाफट से भागेंगे, तो बाद में तो आपको बोले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सुनने के लिए आप होंगे ही नहीं अब, है ना मनीषा, है ना। पूरा काम किए बिना आपको अंत तक नहीं ले जाएगी। प्लीज अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करके आगे भी लोगों को ब्यूटीफुल होने का मौका दीजिए। हाँ जी, तो मैं कुछ एक चीजें आपसे पहले शेयर करना चाहूंगी ये ब्यूटी वाला जेल, फेयरनेस जेल बनाने से पहले। ब्यूटी कुछ तो हमारी गॉड गिफ्टेड ही होती है, वो सब आप भी मानते हैं, लेकिन कुछ उसका रख रखाव से भी हम उसको इन्हेंस भी कर सकते हैं, मेंटेन भी कर सकते हैं। सो टीन एज में जब हम होते हैं तब से हमारा कुछ ना कुछ प्रोसेस चलता आता है जो हमारे ओल्ड एज तक हमारे चेहरे पे ग्लो को बरकरार रखता है। अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में एक रियूनियन पार्टी हुई थी, 25th रियूनियन पार्टी, और वहाँ पे मुझसे मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे बैचमेट्स थे, उन्होंने ये क्वेश्चन किया, मनीषा साल भर साल तुम ज़्यादा यंग कैसे लगने लगी हो? माइंड इट, एक फीमेल कभी अपनी एज नहीं बताती, इसीलिए मैंने आप सबसे भी यही कहा कि मेरे स्कूल की 25th रीयूनियन थी, तो आप मेरी एज का अंदाज़ा तो लगा ही पाए होगे। हाँ जी, इसके लिए मैं कुछ शेयर करना चाहूँगी आपसे कि टीन एज से लेके क्या करती हैं। हमारे मम्मा ने जो किया, मदर्स ने जो किया, मेरी मम्मा ने मेरे को एक अलग, सुबह से एक बाउल होता था जिसमें त्रिफला होता था, जिसमें मम्मी कहती थी कि आईज में स्प्लैश करो इस पानी को, उससे आपकी आंखें बड़ी होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, वो वहाँ का था। एक अलग तरह का त्रिफला और था जो मम्मी भिगो के रखती थी, बोलती थी अपने फेस पे भी लगाओ और पी भी लो। त्रिफला पीना ईजी नहीं था पर मैं पी लेती थी क्योंकि मेरी मम्मा ने भी पिया था, जिसके लिए उनकी मम्मा ने मेहनत की थी, तो मैंने भी अपनी मम्मा के हिसाब से वैसा किया। लेकिन आज की डेट में अगर हम अपने बच्चों को बोले त्रिफला पी लो, बोलेंगे ओ गॉड मम्मा सो सिक, कितना गंदा टेस्ट है, आई कांट, मम्मा नहीं नहीं मुझे तो ब्यूटीफुल बनना ही नहीं है, वो तो क्विट कर जाएंगे। आज की जनरेशन ही ऐसी है, दे वॉन्ट ईजी थिंग्स। सो एक ये जो मैं जेल बताने जा रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल, यूज करने में भी सिंपल है और फ्रेग्रेंस भी उसकी इतनी खराब नहीं है कि बच्चे लगा के बोले ओ मम्मा इट्स पैथेटिक। नहीं, हमको उनके हिसाब से ही वो जेल बनाना है, खुद तो हम कुछ भी यूज कर लेते हैं, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए भी है। तो चलते हैं जेल बनाने के लिए। लेकिन क्या हुआ, लगता है जेल से ज्यादा आप किसी और चीज में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। माई न्यू रेंज ऑफ इयर रिंग्स,
हाँ जी, इट्स अवेलेबल ऑन माय स्टोर ऑन FB एंड इंस्टाग्राम, ज्वेल क्राफ्ट फैनरालीज। पहुंचिए, उससे पहले चलते हैं किचन में जेल बनाने। यहाँ पे किचन में मैंने एक चम्मच अलसी, जो हम खाते हैं, उसको भिगो के रखा है जेल बनाने के लिए। अलसी खाने के लिए तो बहुत अच्छी होती है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट्स हैं अलसी के, लेकिन हमारी स्किन के लिए भी बहुत बेनिफिट्स हैं। हो सकता है आपको पता नहीं हो, एक चम्मच अलसी मैंने दिन में भिगो दी थी, जो फूल के इतनी ज़्यादा हो गई है। इसको मैं एक बर्तन में शिफ्ट कर दूंगी और इसको मैं बॉईल पे चढ़ा दूंगी। ये अलसी को हमने बॉईल करने चढ़ा दिया है और इसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक इसका कंसिस्टेंसी एक जेल फॉर्म की तरह नहीं हो जाए। ये वैसे ही ऑलरेडी सोक करने के बाद बहुत गाढ़ी जेल जैसी हो गई है और ठंडा होने पे और ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम इसको बॉईल करेंगे जब तक ये जो लिक्विड था वो हाफ ना हो जाए। और अगर आप देखना चाहते हैं कि अलसी वैसे कैसे दिखती है, तो ये रही अलसी जिसको हम खाते भी हैं। इंग्लिश में हम इसको लिनसीड और फ्लैक्स सीड दोनों के नाम से जानते हैं। तो आप इसको अपने फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड, मैंने यहाँ पे रेडी रखा है कुछ केसर की पत्तियाँ, भिगो के रखी हैं पानी में। जैसे ही ये जेल बनने को तैयार होगा, मैं इसमें ये केसर का पानी थोड़ा सा दे दूंगी। तो आप देख सकते हैं ये एकदम थिक हो गया है और इसने सारा पानी सोख कर लिया है। मैं अभी इसमें ये केसर का पानी डाल के थोड़ी देर और सोखूंगी। पूरी केसर नहीं डाल रही, ये मैंने कुछ और चीज़ के लिए भी भिगोई थी, तो वो भी ट्रायल चलना है, लेकिन ये इसमें मैंने हाफ केसर डाल दी है। तो अब एक बॉईल और देंगे हम, और ये ठंडा होने के बाद ज़्यादा थिक हो जाएगा। आप ये केसर खा भी सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी तक हमने कॉस्मेटिक ग्रेड का कुछ भी नहीं दिया है, तो हम इसको बॉईल की हुई केसर को खा भी सकते हैं। और आप देख रहे हो कि इसमें केसर का कितना ब्यूटीफुल कलर भी आ गया है। इसी से तो हमारा गोरा गोरा मुखरा बनेगा। केसर हमारे लिए, फेयरनेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है, जिसे हमारा रंग रूप निखारने का सदियों से जो हम लोग सुनते आए हैं ऐड में, वो वाकई में सच है। तो ये हमारा जेल फॉर्म में रेडी है, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा जो ये लिक्विड टाइप का लग रहा है, ये ठंडा होने के बाद एकदम थिक हो जाएगा। तो अब टाइम है इसको छानने का। तो आप देख सकते हैं ये छानने के बाद ऐसा जैसे जैसे कूल होता जा रहा है, जेल वाली कंसिस्टेंसी में आता जा रहा है। अब इसमें हम मिलाएंगे दो तीन चीज़ें और। ऑलरेडी जेल वाले फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें मैं, आप मेडिकल स्टोर पे जो ग्लीसरीन आती है, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ग्लीसरीन इसमें ऐड कर रहे हैं अपन। आप चाहें तो मेडिकल शॉप वाली, या आपको एक्स्ट्रा वर्जिन जो ग्लिसरीन मिले अमेज़ॉन और पे भी अवेलेबल है, तो आप वो भी ले सकते हैं। विटामिन ई के ये वाले कैप्सूल्स मैं इसमें दो डालूंगी। कैप्सूल्स विटामिन ई के जो करते हैं ना, वो एक तरह से प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। तो जब हमारी चीज़ में कैप्सूल होता है विटामिन ई का, हम ये ऑयल डाल देते हैं। कैप्सूल को इस तरह से कट कर देंगे हम, और इसमें से जो ऑयल निकलेगा वो इसमें पॉर इन कर देना है। इससे इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है और आपको स्किन के लिए विटामिन ई मिलता है। तो मैं इसमें दो कैप्सूल्स डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने जेल ज़्यादा बनाया है। ऑब्वियसली दो जनों के हिसाब से बनाया है, मदर डॉटर ड्यो त्रिफला नहीं, तो जेल ही सही। तो ये दो डालने के बाद हम लोग तो इसको इस तरह से भी लगा लेंगे, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं ना, उनके लिए कोई फ्रेग्रेंस डालना ज़रूरी है। तो मैं केसर की ही फ्रेग्रेंस की कुछ ड्रॉप्स डाल रही हूँ, जो आपको अमेज़ॉन पे बहुत इजीली फ्रेग्रेंस की ड्रॉप्स मिल जाएंगी। वैसे एसेंस भी आता है, फ्रेग्रेंस भी आती है, दोनों ही हैं, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। हाँ,
आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन केसर की बहुत स्ट्रांग फ्रेग्रेंस आ रही है मुझे। आप इसको एक जार में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं पर हमारे बच्चे नहीं, तो इसलिए मैं इसको एक बॉटल में शिफ्ट कर रही हूँ, बिकॉज वो ईजी है कैरी करने में। सर, इस तरह से मैं इसको बॉटल में शिफ्ट कर रही हूँ। बच्चों के हिसाब से वो बड़ा स्लाइमी स्लाइमी सा उनको लगता है, इसीलिए बॉटल में डाला है, क्योंकि वो जब एक ड्रॉप लेंगे तो वो बहुत कंफर्टेबली अपने फेस पे लगा पाएंगे, अदरवाइज उनको जैसे हाथ में स्लाइमी स्लाइमी लगेगा, वैसे तो दे इंजॉय, उल्टा हम लोग को लगता है इतना स्लाइमी स्लाइमी फेस पे कैसे लगाओ, बिकॉज ये रेगुलर मार्केट जेल से अलग है, क्योंकि ये प्योर हमने बनाया है। तो आप बना के ज़रूर देखिएगा कि आपको ये कैसा लगता है। उससे पहले थोड़ा सा ट्रायल तो बनता है, एक ड्रॉप जितना निकाल के मैं अपने फेस पे लगाऊंगी, तो अभी आपको दिखेगा नहीं, लेकिन मैं हाथ पे लगा के आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह का शाइनी लुक आता है। सो इसका एक ड्रॉप मैं अपने हथेली पे ले रही हूँ और उसको मैं अपने यहाँ पे लगा रही हूँ हाथ पे। तो आपको अभी तो इसमें बहुत वेट लुक दिख रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको फैलाती जाऊंगी ये पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और ये पूरा ड्राई हो जाएगा और स्किन किस तरह से शाइन कर रही है वो आप खुद भी फील कर सकते हो देखने से। तो है ना कमाल की चीज़, गोरे गोरे मुखरे पे। सो होप आपको ये जेल की रेसिपी पसंद आई होगी, घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर छोड़िएगा कि आपको ये कैसा लगा, ताकि मैं और इस तरह की रेसिपीज़ और ब्यूटी टिप्स आपसे शेयर कर सकूं, बिकॉज मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे करती रहती हूं, क्योंकि मेरा एक हैंडमेड सोप्स का पेज भी है जो बाय माय पैशन रन करती हूँ, क्योंकि मुझे हैंडमेड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने का बहुत शौक है और एक्सपेरिमेंट्स करने का भी शौक है। तो आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख सकते हो नितारा द हैंडमेड सोप्स के नाम से, तो यू कैन सर्च माय ब्यूटी प्रोडक्ट्स आल्सो। और मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ हैंडमेड सोप्स के लिए, क्योंकि कई बार होता है कि इतना एफर्ट करने की हमें नहीं होता है कि भाई इतना एफर्ट करें जेल बनाए ये लो, लेकिन सोप इज़ अ वेरी इजी थिंग जो हम डेली क्लेंजिंग में यूज़ कर सकते हैं, और अगर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स उसमें डले हुए हों तो रोज़ हमारा फेस का स्पा हो जाता है, एक फेशियल हो जाता है। और मुस्कुराते रहिए, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, ब्यूटी टिप है, कि अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप बाहर से भी ग्लो करेंगे। So enjoy beauty gel with Niralis. गोरे गोरे मुखरे पे काला काला चश्मा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।